Masood, welcome back to my channel. सारे के लिए शिक्र एक जगह पे. Why I wasn't uploading videos? उसके लिए मैं एक अलग separate video बनाऊंगा या फिर मैं अपनी Instagram पे दूंगा. तो सबसे पहले आप जाके मुझे Instagram पे follow कर लें. यहाँ पे आ रहा होगा लेकिन मेरे Instagram का handle या फिर यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा. आप उसको यूजर नेम में जाके follow कर लेना. आपका बनता है, मैं जो सजा देंगे मानने को तैयार हूँ. बट उससे पहले आज के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है हमारे कैंप के हवाले से. कैंप से ज़्यादा ये बेसिकली एक अवेयरनेस वीडियो है, अवेयरनेस ऑफ फिजिकल थेरेपी. मैं जिस तरह पहले अपने मेरे कैंप्स के ब्लॉग देखेंगे ये वैसा नहीं होगा कि मैं दिखा रहा हूँ पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं. इस बार मैं आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं वो करने की कोशिश करूँगा. बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने सोचा और आई वॉज लाइक नहीं बहुत ब्रेक होगी, लेट्स गेट इन टू दिस थिंग. और अब मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चंस पर अगर पूछना आपके बिहाफ पे, क्योंकि मैं तो फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है. लेकिन मैं इन प्रोफेशनल से वो क्वेश्चंस पूछूंगा जो आपके दिमाग में आते हैं कि फिजिकल थेरेपी क्यों करवाएं यार, वजह क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वगैरह 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 सब कुछ. तो इसमें काफ़ी कुछ है हमारे पास दिखाने को, इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाऊँगा आज. आज का जो फिजिकल थेरेपी कैंप है ये कैसा जा रहा है और पेशेंट फ्लो कैसा? कैंप बहुत अच्छा हमारा जा रहा है और माशाल्लाह से पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है. अभी देखिए 10:30 हुए और ये हमारे 60th पेशेंट हैं जो मैं डील कर रही हूँ. तो पेशेंट्स का रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है, क्या कुछ बेहतरी महसूस हो रही है या बस? पेशेंट रिस्पांस में चाहूंगी आप पेशेंट से डायरेक्टली तो मतलब आप रिकमेंड करेंगे दूसरों को कि आए फिजिकल थेरेपी करवाएं या मैं मौजूद हूँ जो जिसको फिजियो रूम कहा जाता है, यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी सारी मॉडलिटीज़ वगैरह पड़ी होती हैं. एक जनरलाइज मेरे के दिमाग में भी क्वेश्चन, अगर हम लोग फिजिकल थेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज करवाते हैं तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज मॉडलिटीज़ जिसको हम लगाते हैं? और इसी के लिए मैं केवन के बारे खड़ा हूँ. लेट्स गो इनसाइड और चेक करते हैं कि अंदर कौन सी मॉडलिटी किस पेशेंट पर यूज़ हो रही है. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनवर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक आप कैसे? ठीक ठाक है, ठीक ठाक. अच्छा वैसे ये दोनों मेरे सीनियर्स भी हैं, बट मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन है. क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह अब इस बच्चे को हमने ये एक मॉडलिटी लगाई हुई है, ठीक है, हमने ये सुना था, यानी मैंने ये सुना था कि जो फिजिकल थेरेपी होती है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो एक्सरसाइजेस के थ्रू हम पेशेंट्स को डील करते हैं, ट्रीट करते हैं. तो ये इन मॉडलिटीज़ का क्या काम है? इनका फ़ायदा ये होता है कि जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारी बेहतर हो जाती है और जो वीकनेस होती है ना, ख़ासतौर पर जो न्यूरोपैथी होती है, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है. वैसे तो हम मैनुअल एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं, लेकिन टेंस का ये होता है कि जब फ्लिकरिंग देता है ना तो मसल को हल्का सा हमें शॉक महसूस होता है, जिसकी वजह से जो मसल की स्ट्रेंथ होती है ना वो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. तो इस वजह से हम ये मोडेलिटीज यूज़ करते हैं. फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, ये मोडेलिटी इस वजह से करते हैं, तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन हो जाती है और थोड़ा जो वीकनेस होती है वो कम होती है. लेकिन मैनुअल थेरेपी भी इसके बाद करते हैं ताकि और बेहतरी हो. ठीक है, ये मेरी कन्फ्यूजन थी, मुझसे लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ, आप लोग मेरा प्रोफेशनल है. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैडम. जब भी आप फिजिकल थेरेपी करवाने आते हैं तो देर आर टू थिंग्स विच वी कीप इन माइंड. सबसे पहले कभी भी आपको कोई भी डॉक्टर कहीं पर भी डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज करवाने स्टार्ट नहीं कर देगा, क्योंकि आपके मसल्स जो होते हैं वो उस वक्त बिल्कुल उनकी टोन बहुत कम होती है और सही तरह स्ट्रेच नहीं किया होता, जिसकी वजह से अगर हम लोग उनको एक्सरसाइज करवाएंगे तो वो प्रॉपरली सही तरह से उनको वार्म अप नहीं हुए होंगे, जिसकी वजह से वो टियर हो जाएंगे. वार्म अप एक्सरसाइज होती हैं या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जिनमें आप अपने मसल्स को जो है वो वार्म अप करते हो बिफोर गोइंग फॉर फिजिकल थेरेपी. अच्छा अब जाहिर है मैं वैसे तो फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, बट स्टिल मैं अगर आप लोगों को रिमाइंड करूँ तो आप लोग अगर आएंगे यहाँ पर, आप लोग देखेंगे फिजिकल थेरेपिस्ट है वो भी आपको मेडिसिन दे रहे हैं और आपको जो फिजिशियन है जनरल वो भी मेडिसिन दे रहे हैं. तो क्या सीन है, मैं ज़रा अपने सीनियर से पूछना चाहूँगा क्या हाल चाल है. ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर फिजियोथेरेपिस्ट भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और एक फिजिशियन भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो उसमें क्या फ़र्क रह जाता है? बेसिकली चीज़ ये है कि हम लोग जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ना वो मेडिसिन होती है फॉर टाइम बीइंग, और जो जनरल फिजिशियंस देते हैं वो इंटायरली मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं पेशेंट्स. हमारी एक्सरसाइजेज और मेडिसिन के साथ ये कोऑर्डिनेशन, हमारा कोऑर्डिनेटेड काम होता है. तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है पेशेंट्स के लिए कि जब तक उनको मेडिसिन ना मिली तब तक वो ठीक नहीं होगी. तो हम इसके साथ एक लाइट मेडिसिन हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं उनके डिजीज़ के अकॉर्डिंग. तब हम इंटायरली पेशेंट को डिपेंडेंट नहीं कर देते मेडिसिन के ऊपर. हम लोगों का बेसिक फोकस ये होता है कि आप उनकी हेल्थ और वेलबींग के लिए ना उनकी एक्सरसाइजेस को प्रमोट करें, उनके मसल्स, उनके बोन्स को एनहांस करें, उनको स्ट्रेंथनिंग करें, ताकि उनकी जो रेगुलर डे लाइफ की रूटीन है वो बेटर हो सके. बोथ आर माय सीनियर्स ऑफ 9th सेमेस्टर, तो थैंक यू सो मच, इन्होंने काफ़ी हेल्प आउट भी किया मुझे थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ माय यूनिवर्सिटी. मेरा नाम महा है
और मैं मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में एज ए इंटर्निंग वर्क कर रही हूँ. एज यू नो के 8 सितंबर को हमारा फिजिकल थेरेपी डे होता है, तो अभी ये हमारा फिजिकल थेरेपी वीक चल रहा है. इसमें डिफरेंट इवेंट्स अरेंज किए गए हैं जिनमें से एक आज हमारा फ्री कैंप है. कल हमारे पास पोस्टर कंपटीशन था और मॉडल कंपटीशन था, तो आज लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और थोड़ी अवेयरनेस देने के लिए हम लोगों ने फ्री कैंप अरेंज किया है. इसमें डिफरेंट टेस्ट कराए जा रहे हैं और फ्री मेडिकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लोग आएँ और इस चीज़ से अवेयर हो सकें. ये जो फ्री कैंप करवाया जा रहा है, इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है बीइंग अ स्टूडेंट? मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए मिल रहा है. ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे. आज यहाँ पर फिजियोथेरेपी डे मनाया जा रहा है, उसकी सेलिब्रेशन पूरे वीक में जो हमारे यहाँ पे जा रही हैं. और उसके अलावा यहाँ पर इसी सिलसिले में फ्री कैंप लगाया गया है और यहाँ पर पेशेंट्स को हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिसमें उनको फ्री मेडिकेशन दी जा रही है. इसके अलावा उनका फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है, एक्सरसाइज वगैरह हम गाइड कर रहे हैं, मैनुअली पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और पेशेंट को अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है फिजिकली कैसे उनको अपने आप को बेहतर करना है. यहाँ पर हर तरह का पेशेंट आ रहा है, जिसमें हम लो बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, नी पेन, प्लांटर फैसिलिटीज, डिफरेंट किस्म की इंजरीज हैं, जिसमें एंकल स्प्रेन वगैरह है, इस तरह के पेशेंट भी आ रहे हैं और हम उनको बेहतर तरीके से यहाँ पर गाइड कर रहे हैं. माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद जुनेद आजम. I am physiotherapist and in charge male OPD in here Madina Teaching Hospital. I am specialized in neurological physical therapy. सर, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इतना सक्सेसफुल मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करने पे मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में. पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आम आवाम, एक आम इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है फिजिकल थेरेपी? देखिए अतर, फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में. लोगों में पहले इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि फिजियोथेरेपी का, पता ही नहीं है लोगों को फिजियोथेरेपी होती क्या है. तो फिजियोथेरेपी बेसिकली हम फिजियोथेरेपी के जरिए लोगों का इलाज करते हैं थ्रू एक्सरसाइजेज और मोडलिटीज के थ्रू. पेशेंट्स का एक माइंडसेट हुआ होता है मेडिसिन का, मेडिसिन के बगैर हम ठीक नहीं हो सकते, लेकिन हम ये फिजियोथेरेपी के थ्रू पेशेंट्स को बताते हैं कि मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पेशेंट की दर्द को कम कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट्स को इतना पता नहीं होता कि हम क्या, हमें मसला है और हमने क्या करना है. बेहतर आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं न्यू जनरेशन के लिए. आजकल जनरेशन मोस्टली आजकल ये सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स इस तरह, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं. बच्चों को घर से बाहर निकलना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म की गेम्स हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो अपने आप को फिट रख सकें, क्योंकि आप फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करें मोबाइल की दुनिया से बाहर भी, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि जब मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था अपने यूनिवर्सिटी में, तो ही वॉज द मोस्ट सीनियर पर्सन इन माई यूनिवर्सिटी, सो हमें डायरेक्टली इनसे ही गाइडेंस मिली. समहाउ वी आर लाइक लकी, वी शुड गिव रेस्ट टू अवर आईज एंड अवर बॉडी एंड लेट्स गेट आउट एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. दैट्स व्हाट आई हैव टू से. किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रॉपर एक टीम चाहिए होती है जिसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते, तो अभी हमारे साथ एक पैरामेडिक्स की टीम भी मौजूद है जिन्होंने इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया. दिस इज द होल टीम व्हिच वाज वर्किंग विद अस टुडे. तो आप अगर अपना जल्दी से इंट्रोडक्शन करवा दें सारे. मेरा नाम अमना भट्ट है. मेरा नाम कदस है. मेरा नाम नरेना. मेरा नाम मरियम. मेरा नाम सुनाम है. मुझे बहुत अच्छा लगा आज फ्री फिजिकल थेरेपी कैंप था. यहाँ पे पेशेंट्स की काफ़ी हद तक तादाद थी और हम लोग को यहाँ पे, मैं पैरामेडिक्स सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, हमें यहाँ पे टीचर बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छे स्किल्स हैं उनमें और हम लोगों ने बहुत कुछ उनसे सीखा है. हमारे डिपार्टमेंट में कोई खामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स जब हम यहाँ पे होंगे, डॉक्टर जुनेद आजम जैसे, डॉक्टर अकेश्वर बतूल जैसे डॉक्टर्स यहाँ पे होंगे, तो कोई खामी हो ही नहीं सकती. आज हम औरतों की कुछ 4 से 5 टाइप की मेडिसिन दे रहे हैं, जिसमें डी है, मल्टीविटामिन है, बच्चों के लिए सीरप्स हैं. और बहुत अच्छा लगा आज इनके साथ काम करके, बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे और मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इनके साथ, और इसलिए बहुत अच्छा लगा, इंजॉय किया, काम को सीखा. थैंक्स टू डॉक्टर जुनेद एंड मैडम किश्वर एंड आल्सो हमारे जो HOD हैं जिन्होंने ये सब मेडिसिन अरेंज की, डॉक्टर जुनेद वारी साहब, मैडम डिम्पल एंड राणा बशीर MS साहब एंड आल्सो वन एंड ओनली मियाँ हनीफ साहब. थैंक यू सर कि हमें इतनी अच्छी जगह पर इतनी अच्छी गाइडलाइन देने के लिए. तो अभी ग्रुप
फोटो थी। कंग्रेचुलेशंस टू माय ऑल टीम जिन्होंने इतने हार्ड वर्क किया यहां पे आके, बहुत अच्छा इन्होंने। सिर्फ डॉक्टर जुनैद की वजह से हर साल ये कैंप होता तो जी हर तकरीबन 6 महीने बाद ये कैंप होते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है। और जब इस तरह की हार्ड वर्किंग टीम हमारे साथ हो तो फिर और ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर मुनीब एंड डॉक्टर अनवार जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड काम किया है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बंदे हमसे कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता है। मेल ओपीडी में कोई भी नहीं है, ठीक है। सो या प्रोबेबली दिस इज द एंड ऑफ द डे, सो दैट्स द एंड ऑफ द डे। मैं वापस जा रहा हूँ, सब वापस जा रहे हैं, वो हमारे सर जा रहे हैं, वो सारे श्याम भाई वगैरह सारे जा रहे हैं। एनीवेज अल्लाह हाफिज़, बहुत मज़ा आया आज। और बाइक तो see you soon inshallah taala, take care tab tak। acha jo short mein sabse pehle dikhana chahiye tha wo sab send mein dikha raha hu, par aapko kya pata hai sabse pehle record hua hai end mein।